तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि दूसरा शर्ट लेके आना प्लीज। क्यों क्या हुआ? अरे हुआ क्या भाई, बटन टूट गया है शर्ट का। तारक ये शर्ट का बटन ऐसे ही नहीं टूटा है। हाँ तो तुमसे शर्ट धोते वक्त टूट गया होगा बटन, सॉरी मत बोलना। तारक आप मोटे हो गए हो, आपका पेट बढ़ गया है। क्या बकवास करती हो अंजलि, पेट बढ़ गया? अरे स्त्री वाले ने आयरन करते वक्त बटन तोड़ दिया होगा। अच्छा मैंने नहीं तोड़ा तो स्त्री वाले ने तोड़ा? हाँ हाँ, या तो स्त्री ने तोड़ा या स्त्री वाले ने तोड़ा, इसमें पेट का कोई दोष नहीं है। पेट बढ़ गया। अरे जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई अंजलि भाभी। वाह टिफिन से खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, क्या बनाया है आज मेहता साहब के लिए? जेठा भाई आज खास एटीएम स्पेशल न्यू डिश है, उबले हुए टिंडे की सब्जी और नेनवा का सैलड, है ना नई चीज? वाह आज तो आपको जलसा है मेहता साहब। जेठा भाई मैंने ज्यादा ही बनाया है, आपके लिए पैक करके लेके आ रही हूं। तुम तो नेनुआ का नाम सुन के ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी ने टैटू दबा दियो। हाँ तो सॉरी ना, वो ना जरा जोर से निकल गया, सॉरी अंजलि भाभी। वो क्या है कि वो दया ने खाना बना लिया है और रोज की तरह वो टिफिन भेजेगी, तो क्या आप भी मुझे देंगे तो फिर वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना इसके लिए, और खाना वेस्ट हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जरा जोर से ना ऐसा निकल गया मुझे, सॉरी। जीजा भाई मैंने तारक के लिए कहवा बनाया है, काली मिर्च का स्पेशल, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कहो तो वो आपके लिए ले आऊं? आप बनाओ बनाओ, लेकर लेकर लेकर। अरे भाई मैं चाय पानी नाश्ता सब करके अभी चलो, लेट हो रहा है, मैं तो आपको पता है वो दुकान पे जा रहा है। चलो चलो मुझे भी ऑफ करो नेक्स्ट टाइम। हां बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपना ही घर है ना, कभी भी आते जाते हैं। हां हां वो बाकी रहा नेनुआ का वो सारा। हां हां ओके ओके, आता अंजलि भाई। हां बाय गुड डे। माफ करना पर 2021 में तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ घर से प्लीज, घर से क्या जिंदगी से निकल जाओ भाई। बुरा मत मानना लेकिन दिल की बातें होठों पे आई गई आज के, मुझे नफरत हो गई है तुमसे क्योंकि तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो, मेरे सुख की दुश्मन हो। अरे आने से मेरा जीवन कड़वा हो गया है। नहीं अब तुम नहीं रुक सकती, आज से मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करूंगा, मजे से जीऊंगा, अपना सुख पहले देखूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, मसालेदार खाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम्हें जाना ही होगा, आज ही तुम्हें भेजने का इंतजाम करता हूं, अभी रद्दी वाले को बुलाता हूं और कहता हूं लेके जाएंगे। प्रिय डायर की किताबों को घर से गुडबाय करने का सोचा भी तो ये अंजलि ना तांडव करने लगेगी। अच्छा अंजलि तांडव करेगी, मतलब हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है ना। अरे अंजलि मन में तुम्हारे दया भाव है या नहीं है? ये 2020 पूरी दुनिया के लिए वैसे ही भारी निकला है लेकिन तुम्हारे इस डाइट फूड की वजह से मेरे लिए तो भयंकर निकला है, खतरनाक निकला है। गलत, मेरी डाइट के वजह से 2020 में आप तंदुरुस्त रहे हैं। अंजलि तंदुरुस्त नहीं, मन दुरुस्त होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए, क्या करूंगा ऐसे तन का। अरे मुझे मेरा मन स्वस्थ चाहिए, मन मस्त चाहिए। अरे ये डाइट फूड खा के ऐसा लगता है कि बीमार हूँ मैं, ये घास फूस चल रहा हूँ। ये सब आपके मन का वहम है, पुरानी कहावत है पहला सुख निरोगी काया। जनाब अगर आपको हिंदी समझ में ना आया हो तो मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ। A healthy body possesses a healthy mind. और अच्छे और लंबे जीवन के लिए एक अच्छा डाइट होना बहुत जरूरी है। अरे ये गलत फहमी है तुम्हारी अंजलि, गलत फहमी के लंबी आयु के लिए डाइट जरूरी है। मेरे परिवार में मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे चाचा, अरे कौन कौन नहीं, सारे रिश्तेदार, अरे कितना कुछ खाते थे सब लोग, मिठाई खाते थे, तली हुई चीजें खाते थे, कचौरी मिर्ची बड़ा कोफ्ता न जाने क्या क्या, और भुजिया भुजिया सब। और एक एक व्यक्ति 90 साल 100 साल पूरा जीवन तंदुरुस्ती से सेहतमंद जिया है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि वो किसान थे, पूरे दिन परिश्रम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, और आप तो मेहनत करते नहीं, मतलब परिश्रम करते नहीं, पूरे दिन ऑफिस में एक जगह बैठकर आप अपना काम करते हैं,
अरे चलना फिरना तो दूर की बात है, आप तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भी रिक्शा पकड़ के जाते हैं, तो फिर आपको डाइट की सख्त जरूरत है। ठीक ठीक, कल से मैं ऑफिस पैदल चल के जाऊंगा, लेकिन ये डाइट खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप ऑफिस चल कर भी जाए और ऑफिस से घर भी चल कर आए ना, फिर भी मैं आपका डाइट बंद नहीं करूंगा। अंजलि बंद करना पड़ेगा। नहीं करूंगा। तो बैठो, आग बंद करके बैठ जाते हैं। वाह, देखते क्या बना है। टिटल, आग बंद है ना? हाँ हाँ बंद है, बंद है। आपकी भी बंद है ना? अरे जेठालाल, अगर मेरी आंखें खुली होती तो मुझे नजर आता ना कि तुम्हारी आंखें बंद है कि नहीं, मैं पूछता थोड़ी। बराबर बराबर। टेंटेडन। अरे वाह वाह वाह, तैयार है। अरे वो तो खुशबू से ही पता चल रहा है। क्या खुशबू आ रही है। ये खुशबू शुद्ध घी की खुशबू है माता साहब। हाँ घी की। अंजलि भाभी अपना हलवा बनाया है। एकदम करेक्ट चेटा भाई, ये हलवा ही है। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद। ओके आंखें बंद, मैं सब आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। साहब नाश्ते में हलवा है। हलवा कौन है, कौन है? अरे मैं हूं जेठालाल। चाची है? अरे ताली, ताली। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हलवे की ताली, हलवे की ताली, हलवे की ताली। हलवा मेहता साहब मजा आएगा। मजा मतलब पूछो मत। अंजलि, तुम अंजलि नहीं हो क्या? अरे मतलब तुम अंजलि हो, एंजल जैसी अंजलि। जेठालाल एंजल, फरिश्ता फरिश्ता। वाह मेहता साहब, बंद आंखों से भी आपने मेरी दुविधा समझ ली। जेठालाल सच्चा मित्र वही है जो बंद आंखों से भी मित्र की समस्या समझ ले, खुली आंखों से समझे तो क्या मित्र। वाह, चलिए बातों में वक्त जाया मत कीजिए और जल्दी से हलवे का स्वाद लीजिए। और तारक, हाँ? मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप आंखें मत खोलना। हाँ बिल्कुल, हाथों से, इतने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाऊंगी। तो अंजलि भाभी, मैं तो अभी आंखें खोल सकता हूँ ना? हाँ आप आके खोल सकते हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए आपका हलवा। वाह वाह वाह, आंखें मत खोलना, नो चीटिंग। आर यू रेडी? आ करो, आ आ आ। क्या हुआ मेहता सर? अरे धोखा हुआ हमारे साथ। ये हलवा नहीं है, हलवा है। अच्छा, करेले का। अंजलि क्या है भाई, हद करती हो तुम, सरप्राइज कोई ऐसा देता है क्या? अरे करेले ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका हलवा बनाया जा सकता है। करेले का जूस तो आपको पीना पड़ेगा। ठीक है अंजलि, नहीं पिया जा रहा है। अरे रोज ही तो पीते हैं आप, चलिए पीजिए। अंजलि आज ये कुछ ज्यादा ही कड़वा है। एक मिनट, तुमने इसमें कुछ मिलाया है क्या? नहीं, और क्या मिला सकती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, सच सच बोलो, तुमने इसमें क्या मिलाया? अब कुछ नहीं, अब बस थोड़ा सा नीम और थोड़ा सा गिलोय। अच्छा, एक तो ये करेले का जूस, ऊपर से नीम, गिलोय, एक कड़वाहट का ओवरलोड है। मेहता साहब। जेठा भाई आइए ना। अरे अंजलि भाभी नमस्ते। अरे वाह वाह जेठा, बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या मतलब? देखो ना अंजलि, मुझे कड़वा जूस पिला रही है। हाँ तो पी लीजिए ना, आपके लिए तो रोज का है। रोज का है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही कड़वा है। आप तो नाक बंद करके पी लीजिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है मेहता साहब। अच्छा बोलो बोलो, क्या बात करनी है? एक मिनट जेठा भाई, जब तक तारक जूस नहीं पीते आप उनसे बात नहीं कर सकते। लीजिए लीजिए। अरे पी लीजिए ना मेहता साहब। कैसे पीऊं, आज संडे है। अरे हाँ आज तो संडे है, बराबर अंजलि भाभी हाथ छोड़ दीजिए, कल कल पी लेंगे, कल पी लेंगे ना? हाँ हाँ कल पक्का पी लूंगा। हाँ बस कल तो पिएंगे ही, आज भी पीना पड़ेगा। अरे अंजलि भाभी इतना कठोर मत बनिए। जेठा भाई आपको पता नहीं है, कल तारक ने एक वड़ा पाव, दो कचोरी, तीन समोसे और एक डजन भजिए खाए हैं। अरे इतना सब खाया आपने? तो कल सैटरडे नाइट थी,
बारिश का मौसम चल रहा है भाई। अरे हाँ हाँ नहीं नहीं बराबर फिर तो बनता है। हाँ? क्या बनता है? नहीं 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 बनता है बराबर है। अरे इतना सब आपने खाया मेहता साहब तो उसको बैलेंसिंग के लिए यह जूस पीना ही पड़ेगा बराबर ना अंदली भाभी। एग्जैक्टली इसलिए पिला रही थी। हाँ पी लीजिए मेहता साहब अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है आधा तुम पियो आधा मैं पी। अरे मैंने कहा वड़ा पाव ने समोसा ने कचौरी ने वो सब खाया है कि मैं ये इतना अच्छा जूस पीऊं। तारक चेटा भाई को आपसे जरूरी बात करनी है पी लीजिए ना। हाँ मेहता साहब प्लीज ऐसे नाक बंद करके हरिओम कर दो ना भाई। तो कुछ पानी में डुबकी नहीं लगानी है तो पी लो। अरे यार लो लो मैं पीता हूँ लो लो मैं पी जाऊंगा। हाँ तो पियो ना। चेता भाई अंजलि पीना चाहता है पीने दो ना पियो। ठीक है ए भगवान मेरी रक्षा करना। रुको रुको जेठाला रुको दो stop just before the cake? क्योंकि मैं तो पानी ले रही थी। Smart. Oh my God, मैं तो इसके ऊपर का क्रीम भूल ही गई। मैं अभी आई हूँ। बाप रे। ये सूचे। बिंडालू केक। It's so shocking, हाँ? अभी तो सिर्फ शॉक लगा है। खाने के बाद करंट लगेगा। क्या? इसको खाना पड़ेगा? और नहीं तो क्या? आपको क्या लगा? ये हमारे शोकेस में रखने के लिए लाए हैं? नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाली। हाँ मैं भी नहीं खाने वाली हूँ। खाने वाली तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन बोलेंगे क्या क्यों नहीं खा रहे हम? सोचते ना कुछ सोचते। हाँ। सोचने भी नहीं देती है। डिलिशियस व्हाइट अनियन क्रीम कांदानू क्रीम। हाँ भिंडी के केक के साथ सफेद कांदे का क्रीम बहुत टेस्टी लगता है। मानना पड़ेगा अंजलि भाभी सब वेजिटेरियन केक बनाते हैं लेकिन आपने वेजिटेबल केक बना दिया। ओ कम ऑन कोमल भाभी बस तारीफ ही करेंगी कि खाएंगी भी खाइए ना। I'm so sorry, मैं आज नहीं खा सकती आज ना मेरा फास्ट है। तुम्हारा भी? What do you mean मैं तुम्हारा भी? मतलब मेरा भी आज फास्ट है। But you know what? रोशन भाभी लकी है पूरा केक आपको खाना पड़ेगा। आई नो राइट तो लकी खाओ। नहीं आई सू बोलो अगर ये पूरा केक मैंने खा लिया तो मुझे दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। अब यू नो व्हाट अगर माधवी भाभी अपनी मौसी के घर में पूजा के लिए नहीं गई होती ना तो वो तो ये पूरा केक खा जाती है। नहीं नहीं आज तो माधवी भाभी का भी उपवास होता
रहने दीजिए आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग बहाने बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ। हाँ, ये केक भिंडी का केक नहीं है, ये प्लम केक है। नॉटी अंजलि भाभी। और ये अनियन क्रीम नहीं है, ये क्रीम चीज है। लीजिए लीजिए, आई अश्योर यू कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। अबे तो नहीं। लीजिए लीजिए। थैंक यू। सुपर, लव इट। थैंक यू, एकदम बढ़िया है।